देखिए गाइज, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो देखिए आपके लिए एक खुशखबरी है। एक नया पोर्टल यहाँ पर देखिए जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है वन स्टॉप सॉल्यूशन रजिस्टर ऑन ई श्रम, यानी आप अपने आधार कार्ड पे ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिनका लाभ ले रहे हैं आपको पता भी नहीं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप अपना ई श्रम कार्ड लॉग इन करेंगे, आपको सारी डिटेल आपका ई श्रम कार्ड स्वयं बताएगा कि हाँ आप इस योजना में इस स्कीम में आप रजिस्टर्ड हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। तो करना क्या, सबसे पहले आपको ई श्रम कार्ड की वेबसाइट है आपको यहाँ पर आना है। जैसे ही आप आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है वन स्टॉप सॉल्यूशन रजिस्टर ऑन ई श्रम, यहीं पर आपको लॉग इन वाली बटन मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर फिल कर देना, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे डाल देना और सेंड ओटीपी कर देना। ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे भेज दिया गया, वो ओटीपी यहाँ फिल कर देना, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अब देखिए आपको लॉग इन करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको आधार नंबर, तीनों खाने में आपको आधार नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर तीन ऑप्शंस मिलेंगे, एक फिंगर का, दूसरा आयरिस का, तीसरा ओटीपी का। तो देखिए आपके पास फिंगर डिवाइस नहीं होगी, नहीं आयरिस डिवाइस होगी, यहाँ पर ओटीपी होगी, आपको ओटीपी वाली बटन पर टिक कर देना। तो देखिए जो आधार से लिंक मोबाइल होगा उस पर ओटीपी भेज दिया जाएगा, तो ये कैप्चा यहाँ डाल देना और उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी गया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आधार से लगा है, उसके बाद वैलिडेट कर देना है। आप देखिए आपके सामने यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे नाम की, डेट ऑफ बर्थ की और जेंडर। इस टर्म को देखिए एक्सेप्ट नहीं करना, यानी इस चेक बॉक्स को टिक नहीं करना, बल्कि अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन है आपको इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए बिल्कुल डैशबोर्ड यहाँ पे पूरी तरीके से बदला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको ई श्रम आईडी होती है वो देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको एक अच्छा सा फोटो देखने को आपका मिल जाएगा, यहाँ पे फोटो देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्कीम कैटेगरीज इनरोल्ड, आप ये देख सकते हैं कि हमारा आधार है, हमारा ई श्रम कार्ड है, कितनी योजनाएं हैं, कितनी स्कीम है जिनमें इनरोल्व है। तो देखिए हम यहाँ पे 5 स्कीम का लाभ ले रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन सी स्कीम का लाभ ले रहे हैं, तो जैसे मान लिखा है क्लिक टू व्यू, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। तो देखिए उन स्कीमों का यहाँ पे नाम आपको देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे पेंशन का लाभ ले रहे हैं, चाहे आपकी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो, आपके पास देखिए क्रेडिट कार्ड है वो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला ऑप्शन मिलेगा फूड सिक्योरिटी पोर्टल, यानी जो आपका जो खाद्य विभाग होता है, यानी राशन कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है उसका आप लाभ ले रहे हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप NCS पोर्टल होता है, यानी जो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल होता है, आप उस पर रजिस्टर्ड हैं। भारत सरकार के द्वारा स्किल इंडिया है, उसके थ्रू आपने कोई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आप वहाँ पर भी देखिए रजिस्टर्ड हैं इनरोल में। अब जैसे मान लो यहाँ पर देखिए फूड सिक्योरिटी पोर्टल है, यानी राशन कार्ड की डिटेल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी आप ONORC यानी वन नेशन वन राशन कार्ड में रजिस्टर्ड हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको व्यू वाली बटन मिल जाएगी, आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपकी राशन कार्ड की डिटेल आ जाएगी, आपके राशन कार्ड पर जितने भी फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए हैं सभी का यहाँ पे नाम देख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नाम को सभी को देखिए हाइड कर रखा है। यहाँ पे आपका राशन नंबर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे उनका नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है राशन कार्ड की, अगर राशन कार्ड आपको नहीं मिल रहा है, तो देखिए गाइस आप यहां से भी ई श्रम कार्ड के पोर्टल से भी राशन अपना निकाल सकते हैं। अगर आपको और डिटेल देखनी है तो यहां पर बैक वाली बटन मिल जाएगी, आपको इसी पर टिक कर देना है। अगर आप पेंशन की रिकॉर्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड या फिर एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड या फिर स्किलिंग के बारे में अगर आपको कोई रिकॉर्ड देखना है तो आप इनमें क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको अपना UN कार्ड डाउनलोड करना है तो देखिए यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगी, आप अपना UN कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अपनी प्रोफाइल में किसी तरह कोई अपडेट करना है, नाम चेंज करना है या फिर अकाउंट नंबर चेंज करना है या फिर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल वाली बटन पर टिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल में बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, दूसरा बदलना चाहते हैं या फिर अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो आपको डिटेल नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताएं, तो अगले वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से आप अपने जो न्यू पोर्टल आया है ई श्रम कार्ड का, उसे लॉगिन करके आप जरूर चेक कर सकते हैं कि हम कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो वीडियो में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें।